हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। पहली बार आज आपके साथ अपना एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट और डिमांड पे कि मैं अपना एक ब्लॉग बनाऊं, आप सभी के साथ शेयर करूं अपनी फैमिली के बारे में, तो बस ये एक छोटी सी मैंने कोशिश की है। क्योंकि इतने लंबे समय के लॉकडाउन के बाद मैं जा रही हूं अपनी मम्मी के घर होली सेलिब्रेट करने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि काफी टाइम से हम सभी लोग घर में थे, एक जैसे रूटीन और शेड्यूल में काफी बोर हो जाते हैं। तो बहुत ही एक्साइटिंग है ये ब्लॉग, आप पूरा इसको वॉच करें। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैग हमारे तैयार हैं अलीगढ़ जाने के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी का घर अलीगढ़ में है। तो मैं, जैसे आप सभी को पता है, बैंगलोर में रहती हूँ। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है खासतौर पर मेरे बच्चे को, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम सभी लोग बहुत लंबे समय से घर में ही थे और अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। हालांकि थोड़ा सा रिस्क लेके हमने ये काम किया, लेकिन क्या करें, काफी टाइम हो गया था। और ये है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जिसका नाम सानिध्य है। हम तीनों लोग तैयार हैं अब फ्लाइट में बैठने के लिए। काफी प्रोटेक्शन के साथ हम लोग आराम से बैठ गए फ्लाइट में, और थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन कोई परेशानी नहीं थी। और हम पहुंच गए अब दिल्ली। दिल्ली से अलीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, टैक्सी से हमें जाना होता है। तो इसी दौरान, जैसे कि आपको पता है, मैं चाय कॉफी की बहुत शौकीन हूँ, और अब हमारी टैक्सी भी आ गई है और हम टैक्सी से आज जा रहे हैं अलीगढ़ की तरफ। अब ये हमारी टैक्सी रुकी है हाईवे की एक चाय वाली दुकान पर, जो कि बहुत ही फेमस है उस रोड पर। और यहाँ की कुल्लड़ वाली चाय पी के तो मजा आ जाता है। तो बस वही कुल्लड़ वाली चाय का मजा ले रहे हैं हम हाईवे पर। अगर आप भी यमुना एक्सप्रेसवे से कभी जाएं अलीगढ़ या उस रास्ते से गुजरे, तो ये चाय जरूर एंजॉय करिएगा, बहुत ही बढ़िया है। और अब हम वापस से चल दिए हैं अलीगढ़ की तरफ। तो काफी लेट इवनिंग हम अलीगढ़ पहुंचे। और ये नेक्स्ट डे, देखिए किचन में मेरी मम्मी बना रही है खाना दोपहर का, साथ ही साथ ब्रेकफास्ट का भी इंतजाम हो रहा है, और मैं बना रही हूँ मेरी फेवरेट चाय। बहुत ही मजा आ रहा है मम्मी के किचन में काम करने में। तो चाय मेरी तैयार हो गई है और पापा के लिए भी लेके जा रही हूँ मैं चाय। ये हमारे घर का किचन। मम्मी को भी घर बहुत सजाने का और अच्छी तरह रखने का बहुत शौक है, जैसे कि भी आप देख सकते हैं। हम लोग एक्चुअली तीन बहन एक भाई हैं, दोनों छोटी सिस्टर तो मेरी फॉरेन में है, भाई अभी अपनी वाइफ के साथ आया हुआ है। तो नेक्स्ट डे हम सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं अलीगढ़ का बहुत ही फेमस जलेबी कचौड़ी। बहुत फेमस है, मतलब अगर कोई गेस्ट अलीगढ़ में आया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक दिन सुबह नाश्ते में ये जलेबी कचौड़ी ना है। देसी घी की जलेबी और कचौड़ियां, इनकी बात ही कुछ और है। और अब थोड़ा सा समय निकाल करके, नाश्ता पानी हो चुका है हम सभी का, भाई तो अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अपना काम कर रहा है, तो बीच बीच में समय निकाल के मैं भी थोड़ा सा अपना काम देख रही हूँ। और मेरी भाभी भी अपना ऑफिस का काम कर रही है, सब अपने अपने काम पर लग गए हैं, साथ ही साथ हम लोग की हंसी मजाक भी चल रहे हैं। और अब ये इवनिंग का टाइम हो चुका है, मैं बना रही हूँ सानिध के लिए दूध और मेरी भाभी पीछे शायद बना रही है चाय शाम की। तो बस यही सब चल रहा है। मेरे बेटे को ड्राइंग का बहुत शौक है, हर जगह पेजेस बिखरे हुए हैं, ड्राइंग चल रही है उसकी साथ की साथ, और वो अपनी नानी के घर का मजा भी ले रहा है। ये मेरे भाई का रूम है और भाई सबसे छोटा है तो हमें बड़ा प्यार है, तो बस भाई मुझे कुछ दिखा रहा है, हमारी हंसी मजाक चल रही है। और ये मेरी नेक्स्ट कप चाय तैयार हो गई है। तो बस ऐसे ही मम्मी के घर आके आप बिल्कुल फ्री से हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं, बस वही चल रहा है मेरा भी। लेकिन हाँ, किचन का काम भी मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कर रही हूँ, क्योंकि उसको मैं छोड़ नहीं सकती। किसकी चाय है? तो बड़ा बहुत ही मस्ती भरा टाइम रहा मम्मी के घर में, अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। और अब ये हमारे रात के खाने की तैयारी चल रही है। तो मेरी भाभी बना रही है पनीर की सब्जी, मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं करवा दूँ, तो वो बोल रही है नहीं दीदी, आप हमेशा बनाते हो, आज मेरे हाथ की खाओ। और मम्मी उसको दे रही है फाइनल टच। घर में कोई बड़ा होता है तो वो जरूर देखता है कि खाना सब कुछ सही बना है या नहीं, तो वही। और ये लीजिए, हमारी हो रही है यहाँ एक पौड़ी। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है और ये मेरी भाभी है। मैं आई हूँ इस होली अपनी मम्मी के घर, और हमारे इस वक्त बन रही है पनीर की सब्जी। और साथ के साथ बहुत हंसी मजाक भी चल रहे हैं, सारे रिलेटिव्स भी हमारे अलीगढ़ में रहते हैं, तो मम्मी कुछ कुछ बातें बता रही हैं। यहाँ पर सानिध अपना गेम खेल रहा है और मम्मी मुझे टेस्ट करवा रही है अलीगढ़ की कुछ फेमस मिठाई और गुजिया वगैरह, क्योंकि अलीगढ़ में खाना पीना बहुत ही बढ़िया और फेमस है, तो वही चीजें मम्मी थोड़ा सा मुझे दिखा रही थी। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये है पूरा बाहर का एरिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम होता है ना, तो उसमें ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो आप इंजॉय करते हैं सुबह की ठंडी ठंडी हवा। और सड़क पर आप देख सकते हैं गाय वगैरह हैं। और ये मिली है मेरे पापा से, ये मेरे पापा का रूम है और यहाँ पर पापा तो अखबार पढ़ रहे हैं, उनकी सुबह अखबार के बगैर तो अधूरी है। और यहाँ मैं, मेरा भाई पापा के साथ चाय इंजॉय कर रहे हैं।
आज है रंग भरनी एकादशी। हमारे मॉर्निंग में पूजा जरूर की जाती है। बहुत ही प्यारा सा मम्मी का मंदिर देख सकते हैं और पापा भगवान जी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, घर में इतने लोग हो तो मजा आता है, यहाँ तो हम अकेले रहते हैं। और ये आ गए मेरे हस्बैंड और सानिध्य, वो भी दोनों पूजा कर रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं अलीगढ़ की बहुत ही फेमस चाट शॉप पर। अगर आप कभी अलीगढ़ जाएं तो गणपत की चाट आप जरूर खा कर आए, बहुत ही फेमस है वहाँ पर। देसी घी की चाट होती है, स्पेशली आलू टिक्की, गुलाब जामुन, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग्स। और मैं इंजॉय कर रही हूँ मेरी आलू टिक्की चाट, छोले वगैरह पड़ के जो मज़ा आता है ना, स्पेशल है उसका फ्लेवर। और मेरा बेटा फिर से वही इंजॉय कर रहा है डोसा, क्योंकि उसको तो डोसा इडली यही चाहिए, वही उसका फेवरेट फूड है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। गुलाब जामुन मैंने वहाँ खाया नहीं था तो मैं घर आके खा रही हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। और आप देख सकते हैं इसकी लुकिंग कितना रसीला, पेट मेरा भरा हुआ है लेकिन मैं फिर भी खा रही हूँ क्योंकि फिर मिलेगा नहीं मुझे। सच में डिलीशियस होता है इसको, मैं मतलब बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितना टेस्टी है ये गुलाब जामुन। अब ये मैं नेक्स्ट डे सुबह का ब्रेकफास्ट, वेज मेयो सैंडविच पैटीज, तो सब मैं वो मम्मी के साथ हेल्प करा रही हूँ। और ये चल रहा है मेरे हस्बैंड मैं हम सबका नाश्ता सुबह का, और सानिध अपना टीवी वॉच कर रहा है पीछे आराम से, पूरी मस्ती में है वो वहाँ पर। वापस से थोड़ा बहुत समय निकाल करके जो है अपना काम देख रही हूँ। हाँ मम्मी, हाँ मम्मी, पढ़ नहीं ये लो मुझे रखो इसको गला, इसको भागी मैं अरे मुझे। मैं बना रही हूँ मेरी मम्मी के घर मावे की गुजिया। तो अभी हम मावा भूल रहे हैं, वैसे तो मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, तो अभी मम्मी खाना खा रही है तो मैंने सोचा जब तक मैं मावे को भूल लेती हूँ। तो ये दोपहर में तैयारी चल रही है गुजिया की, क्योंकि मम्मी बिजी थी खाने में तो मैंने कहा चलो मैं ही हेल्प कर देती हूँ। पापा मेरे बहुत ही अच्छे कुक हैं, उन्हें बहुत शौक है, उन्हें कितना भी रोको वो किचन में आए बगैर रहते नहीं है। और अब पापा मेरे साथ आ गए हैं हेल्प कराने गुजिया में, और वो चेक कर रहे हैं कि पारुल ने सही तरीके से स्टफिंग तैयार की है या नहीं। पापा लोगों को तो होता रहता है ना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं तैयारी करवा रही हूँ गुजिया की, और ये देखिए हमारी गुजिया कफसरी बन गई है, और ये देखिए हमारा डांस। तो ये मैं और मेरी भाभी थोड़ा सा तैयार वैयार होकर डांस वांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। छोटी होली से एक दिन पहले ये फंक्शन हुआ था तो खूब सबने एंजॉय किया, नीचे काफी जोरों से म्यूजिक वगैरह चल रहा था, तो ऐसे ही बस हमने सोचा कि थोड़ा सा डांस हो जाए, काफी टाइम से ये सब किया नहीं था। और आप देख सकते हैं ये है छोटी होली वाला दिन, छोटी होली वाला दिन, और यहाँ नीचे रखी गई है होली। दोपहर में हमारे यहाँ होती है ठंडी होली की पूजा इस तरह से, तो मैं मेरी भाभी मम्मी गए हैं पूजा करने, और ये तैयारी चल रही है मसालेदार चटपटे छोटे वाले समोसे की। पापा के हाथ के समोसे हमेशा से बहुत ही फेमस रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स आते हैं घर पर सब वही मांगते हैं, सबको पता है कि हमारे यहाँ वो छोटे समोसे बनाए जाते हैं। पापा जो उसकी स्टफिंग तैयार करते हैं आलू वाली, वो तो इतनी बढ़िया होती है कि शायद उसे मैं भी तैयार ना कर पाऊँ। तो बस मैं हेल्प करा रही हूँ पापा के साथ छोटे छोटे समोसे बनवाने में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मिलवाती हूँ आपको, ये मेरी बुआ जी हैं सबसे बड़ी, सारे ही रिलेटिव्स हमारे अलीगढ़ में ही रहते हैं तो सबको पता था कि मैं आई हुई हूँ, और प्लस होली भी है तो सभी लोग मिलने आए हुए थे, फूफा जी बुआ जी, और वो बहुत प्यार करती हैं मुझे, खूब हंसी मजाक चलता है हमारा। कजिन्स भी सब मिलने आ गए क्योंकि सारे चाचा जी लोग भी वहीं रहते हैं। तो मतलब अगर आपके घर में अगर छोटी सी आप कुछ पूजा भी करने वाले हैं या तो मतलब 100 लोग ऐसे इजीली इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे रिलेटिव्स हैं वहाँ। ये मेरे चाचा जी हैं छोटे, और सारे लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कल होली कैसे खेलनी है। और ये रात को आप देख सकते हैं होलिका दहन, होली जलाई जा रही है, हम सबकी पूजा चल रही है, सभी लोग मिलकर होली को सेलिब्रेट करते हैं। ये होली का दहन के बाद हम ऐसे ही थोड़ा वॉक पे निकल आए कॉलोनी में,
और ये देखिए नेक्स्ट डे होली का। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा होली नहीं खेली क्योंकि हमें वापस भी बैंगलोर आना था, तो ट्रैवल की वजह से हम लोग थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन अब भाई होली पर आए हैं तो थोड़ी होली खेलना तो बनता है, तो बस वही चल रहा है। तो गुलाल से होली चल रही है भाई, मेरे हस्बैंड और भाभी हम सब लोगों की। सानित तो बहुत डरता है होली से, वो वहीं से बस नीचे ही खेल रहा है पिचकारी से। और ये देखिए मुझे अच्छे से ये लोग रंग रहे हैं। ये सारी होली हम लोग छत पे खेल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये आ गया हमारा जाने वाला दिन, तो बस अब मैं निकलने वाली हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए और चल दिए हम लोग अलीगढ़ से। तो ऐसे गुजरे हमारे ये 4-5 दिन अलीगढ़ में, तो बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छी रही हमारी ट्रिप, और सुरक्षित रूप से हम वापस भी आ गए, लेकिन बहुत मिस कर रहे हैं सभी लोगों को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी फैमिली कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा। तो बस हम पहुंच गए अब एयरपोर्ट वापस रवाना होने के लिए बैंगलोर के लिए। तो चलिए मिलते हैं अब एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।